अलग अलग आवाजें हैं कैंप के खिलाफ, उनको दबाने की साजिशें हो रही हैं। ये कैंप का बिल सिर्फ कैंप का बिल नहीं है, ये संविधान की आत्मा पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। और हम उस लोकतंत्र को बचाने, उस संविधान की लड़ाई में, उसको संरक्षण में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथियों, मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, सीएबी को पहले भी लाया गया था, पर जानबूझ के राज्यसभा में लैप्स होने दिया गया, लैप्स उसको पास नहीं करवाया गया। जब दोबारा सीएबी लाया जा रहा है तो उसका क्या मतलब है? नॉर्थ ईस्ट में जब ये पहले बिल लाया गया था सीएबी का, तो वहां पर ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स ने मिलकर इसका विरोध किया था, लेकिन अब इस सरकार ने उनकी यूनिटी को भी तोड़ दिया। इस बिल में इनर लाइन परमिट, यानी कुछ जो ट्राइबल्स एरिया है उनमें इनर लाइन परमिट, जो वहां पर परमिट लेके कोई काम करने जा सकता है, उन इलाकों को छोड़ दिया, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट की यूनिटी भी टूटी है। केवल हिंदू मुसलमानों की यूनिटी नहीं टूट रही है, ये पूरे की कोशिशें हो रही है। मैं शब्द वापस लेता हूँ, नहीं टूटेगी, इसी का पैगाम के साथ हम यहाँ, ये बहुत जरूरी पैगाम है। और इसके बाद इंडिया गेट पे भी ये प्रदर्शन होने वाला है। तो जो जिस देश की तरक्की पसंद कौम है, जो तरक्की पसंद आवाम है, वो सही में इस बिल के खिलाफ है और लगातार अपना विरोध दर्ज कर रही है। आज हमें आने में एक घंटा देरी इसलिए भी हुई क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जामिया के समर्थन में एग्जामिनेशन बॉयकॉट था, वो सफल रहा। ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।